हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन सी समस्या, बालों में रूसी की समस्या या डैंड्रफ की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। बालों में रूसी की समस्या एक बहुत ही ज़्यादा आम समस्या है और जैसे ही विंटर का सीज़न आता है, ठंड स्टार्ट होती है जैसे ही, वैसे ही रूसी की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही आसान से उपाय के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप मेरे चैनल में आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी टैप कर दें ताकि आगे आने वाले जितने भी मेरे वीडियो हैं सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डैंड्रफ को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिबोरिया या सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। और ये जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपके जो सर की त्वचा होती है यानी जो आपका स्कैल्प होता है, उस स्कैल्प में कंटिन्यूअस न्यू सेल्स के जो नए सेल्स हैं वह उसका निर्माण होते रहता है। कंटिन्यूअस नई सेल्स बनते रहती हैं और जैसे ही नई सेल्स बनती है वैसे ही जो पुरानी सेल्स रहती है वो ऑटोमेटिकली ही निकल जाती है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रोसेस है और लगातार ये प्रोसेस चलती है कि न्यू सेल्स बनती है और पुरानी सेल्स निकलती है। ये जो प्रक्रिया होती है वो अपने समयानुसार चलते रहती है। पर जब ये जो डेड सेल्स होती हैं, जो पुरानी सेल्स होती है, वो जब बहुत जल्दी जल्दी निकलने लग जाती हैं तो एक पपड़ी नुमा एक परत सी बन जाती है और जो आपके सर के अंदर यानी स्कैल्प के अंदर में ऑयल ग्लैंड होते हैं, उस ऑयल ग्लैंड से क्या होता है, ऑयल का सिक्रीशन होता है। तो ये ऑयल का सिक्रीशन जब होता है तो ये ऑयल इसके साथ में मिल करके एक वाइट कलर की पपड़ी नुमा एक फ्लैकी सी संरचना बना लेती है जिसको आप बोलते हैं डैंड्रफ, डैंड्रफ की प्रॉब्लम। जब डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और जो आपके स्कैल्प की जो त्वचा होती है बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है, बहुत ज़्यादा सूखी सी हो जाती है। अगर आप इसके कारणों की बात करें डैंड्रफ के, तो ऐसे तो डैंड्रफ होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर इसका सबसे प्रमुख कारण है जो आपके सर की त्वचा रहती है ना, जो आपका स्कैल्प रहता है, वो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, बहुत ज़्यादा रूखा हो गया है, तो आपको डैंड्रफ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा, इसका बहुत ही कॉमन कॉज है जो हार्मफुल केमिकल प्रोडक्ट रहते हैं। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे शैम्पू आते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हेयर कलर्स रहते हैं या काफ़ी सारे हेयर मास्क होते हैं सर पे अप्लाई करने के लिए, जो बहुत सारे केमिकल्स से बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है या हेयर फॉल हो सकते हैं, हेयर डैमेज हो सकते हैं, जैसी बहुत सारी समस्या आपको हेयर से रिलेटेड हो सकती है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो भी आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अपने सर को लगातार बांध के रखते हैं या आपने टाइट पोनी किया हुआ है, अगर आपके सर पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो भी ये फंगस वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं और आपको फंगल इन्फेक्शन की वजह से डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बालों को अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, जैसे आपने स्कैल्प को अच्छे से साफ़ नहीं किया, तो धूल मिट्टी है या प्रदूषण है आपके स्कैल्प में चिपक जाते हैं, जिस वजह से भी आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो कुछ कॉमन कॉज हैं जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भी और भी कई कॉज हो सकते हैं। अगर आप इसके लक्षणों की बात करें तो डैंड्रफ के जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं और आई थिंक आप सबको पता है कि जब डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है तो आपके सर से वाइट कलर की एक सफ़ेद भूसी सी झड़ने लगती है जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि कई बार आप उसको इच करते करते जो आपके स्कैल्प की जो स्किन होती है, जो आपके सर की त्वचा होती है, वहाँ पे एक घाव सा बन जाता है। कई बार जो आपके हेयर्स हैं वो चिपक जाते हैं आपस में और डैंड्रफ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होने लगता है, आपके हेयर जो हैं वो टूटने भी लग जाते हैं। देन अब हम बात करते हैं डैंड्रफ के ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डैंड्रफ की एक स्पेसिफिक होम्योपैथी मेडिसिन बताने वाली हूँ जो आपको ओरली लेना है, उसके साथ ही एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू और एक एंटी हेयर फॉल ऑयल के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और 100% नेचुरल है ये प्रोडक्ट और कोई भी इससे आपको हानि नहीं होगी, बिल्कुल भी सेफ़ है ये। तो आप इस मेडिसिन को अगर यूज़ करते हैं तो 10 से 15 दिनों के अंदर ही आपको आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम से पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस मेडिसिन की जो आपको ओरल लेना है। उस होम्योपैथी का नाम यानी उस होम्योपैथी मेडिसिन का नाम है विनका माइनर।
विनका माइनर मेडिसिन हम डैंड्रफ की प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डैंड्रफ की प्रॉब्लम के लिए। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है, आपके सर से बहुत ज़्यादा वाइट कलर की भूसी सी यानी सफ़ेद पपड़ी से आपके सर से झड़ रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है आपके स्कैल्प में, अगर आप यानी स्कैल्प की आप जैसे जो आपके सर की त्वचा है उसको अगर आप देखें तो वहाँ पर रेड रेड कलर के स्पॉट से हो गए हैं और जो आपके बाल हैं वो टूट रहे हैं डैंड्रफ की वजह से, तो विनका माइनर उसमें स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आपको विनका माइनर मेडिसिन यूज़ करना है, ओरली विनका माइनर 30 पोटेंसी में आप यूज़ कीजिए, दो दो बूंद सुबह और शाम को, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसके डैंड्रफ में। इस मेडिसिन को आप लगातार 10 से 15 दिनों तक यूज़ करेंगे तो आपको अपने डैंड्रफ की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा, आप इस मेडिसिन को यूज़ ज़रूर करें। देन सेकेंड नंबर में आता है हेयर ऑयल, आपको एक हेयर ऑयल यूज़ करना है। वैसे भी ऑयल जो है, ऑयल से मसाज करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है वो आपके स्कैल्प की यानी जो सर की त्वचा होती है वो जब रूखी हो जाती है तब आपको डैंड्रफ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपको ऑयलिंग करना, ऑयल से मसाज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको एक ऑयल यूज़ करना है, वो ऑयल का नाम है, वो स्वाबे का ऑयल आएगा, एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल आएगा स्वाबे का, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नेचुरली है, बहुत ज़्यादा सेफ है। तो आप इस हेयर ऑयल का यूज़ ज़रूर करें, स्वाबे का एंटी डैंड्रफ हेयर ऑयल यूज़ करें। तीसरे नंबर पे आपको एक शैम्पू यूज़ करना है, ये भी स्वाबे का ही है, ये भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ये भी स्वाबे का आता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें जितने भी प्रोडक्ट जितने भी ये मेडिसिन यूज़ होते हैं वो 100% नेचुरल मेडिसिन है और इससे आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाने वाली है। तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम के लिए इन तीन मेडिसिन को यूज़ करना है। सबसे पहले आपको विनका माइनर ओरली यूज़ करना है, विनका माइनर 30 पोटेंसी में, 2 ड्रॉप मॉर्निंग में एंड 2 ड्रॉप आपको इवनिंग में यूज़ करना है। सेकेंड नंबर में आपको यूज़ करना है स्वाबे का एंटी डैंड्रफ ऑयल यूज़ करना है आपको, ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको आपको कम से कम वीक में 3 बार आपको यूज़ करना है। आप इसको रात में सोने से पहले अपने टिप ऑफ द फिंगर से स्कैल्प में जो सर की त्वचा होती है वहाँ पे हल्के हाथों से अच्छी तरीके से मसाज कर लीजिए और दूसरे दिन सुबह उठ के आपको अपना हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश करने के लिए आपको एक स्वाबे का ही एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना है, ये शैम्पू भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और आपके डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है इस शैम्पू को यूज़ करने से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इस शैम्पू को भी आपको वीक में लगभग 3 बार यूज़ करना है। इसको आप डैंड्रफ के अलावा अगर और भी आपकी कोई हेयर प्रॉब्लम है, लाइक आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो हेयर की जितनी भी प्रॉब्लम है वो इस ऑयल को यूज़ करने से, इस शैम्पू को यूज़ करने से पूरी तरीके से ठीक हो जाने वाला है। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप इस ऑयल और शैम्पू का आप यूज़ कर सकते हैं, आप देखेंगे कि आपकी हेयर की जो दूसरी प्रॉब्लम भी है, जो बालों से संबंधित और दूसरी भी समस्याएं हैं, वो इस शैम्पू को यूज़ करने से आपका ठीक हो जाएगी, इस ऑयल को यूज़ करने से ठीक हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो भी आपको बीच बीच में एंटी हेयर फॉल शैम्पू का और एंटी हेयर फॉल ऑयल का यूज़ करते रहना चाहिए, जिससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं होते। तो आप इन तीनों ही मेडिसिन को यूज़ करें, आप ओरली भी मेडिसिन यूज़ करें, ऑयल यूज़ करें, साथ में शैम्पू यूज़ करें, तो आपको बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। लगभग 15 दिन में ही आपके डैंड्रफ की जो समस्या है लगभग 80-90% ठीक हो जाने वाली है इस मेडिसिन को यूज़ करके। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।